शाम की चीखती बातें। कहने को बहुत कुछ है लेकिन सब चुप। क्यों? कोरोना के कारण बीते दिनों से हमारा शहर शांत था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं निकिता पाटीदार और आप देख रहे हैं पीपल समाचार। बीते दिनों से 6 महीनों से हमारा शहर शांत था। कारण था कोरोना। पर्यटन के जितने भी स्थल थे सभी जगहों पर बंदिशें लगी हुई थी। अभी कुछ बंदिशें खुली हैं जहां पर लोग आ जा रहे हैं। आज ऐसी ही एक शाम हमारे साथ। आज हम आपको लेकर आए हैं लेक प्रिंस पर। यह बोट क्लब पर क्रूज़ है। यहां पर अभी बहुत से चेंजेस किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कैबिन हुआ करता था लेकिन अब इस कैबिन को हटा कर पीछे कर दिया गया है जिससे स्पेस में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय कर सकें। साथ ही इस क्रूज़ की क्षमता 80 लोगों की है जिसे अब कम कर 40 कर दी गई है। मात्र 40 लोगों को ही अब इसमें बैठने की परमिशन है। ये सारे डिसीजंस कोरोना को देखकर लिए गए हैं। आप जब यहाँ पर आते हैं, एंटर होते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाता है। आपको लोग यहाँ पर मास्क लगाए देंगे। सभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। आइए चलिए इस सैर पर हमारे साथ चलते हैं और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता जी। आइए उनसे जानते हैं कैसे इतने वक्त घर पर बिताने के बाद वो क्रूज पर आकर एंजॉय करें। काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक समय था जब मैं शायद हर हफ्ते यहाँ आती थी। अच्छा। और आपने सही बताया कि पहले यहाँ पे था और यहाँ पे डांस करने का था जी। और पूरे 1 आवर मैं यहाँ डांस करती थी, है ना जी। बहुत इंजॉय करती थी लेकिन लॉकडाउन के कारण घर में रह रहे के बहुत बोर हो गई। आज मैंने सोचा मैं निकलती हूँ, अपनी पहले वाली लाइफ शुरू करती हूँ। और मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है, सब लोग मास्क पहने, ऐसा कोई डर नहीं है जी। और कोरोना से तो कोई डरने की बात ही नहीं है। अगर हम इसको अच्छे से मेंटेन करके रहेंगे और अब इसका सभी नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना तो हो ही नहीं सकता। तो आपको लगता था जिस दौरान आप घर में क्वारंटाइन थी, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आपको यहाँ की याद आती थी, यहाँ की शामों की याद आती थी? बहुत ज़्यादा। वैसे तो मैं वर्किंग रही हूँ, मैंने 22 साल जॉब किया है जी, है ना। मैं एज HOD कॉलेज में रही हूँ और लॉकडाउन के कारण घर में रहना मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा था जी, है ना। यहाँ की तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी क्योंकि यहाँ के तो समय जो 1 आवर होता है वो पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया जी, है ना। तो यहाँ की तो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं यहाँ पर चली गई आपके सामने। सुनीता जी, आपकी उम्र इतनी ज़्यादा है, कहा जा रहा है कि कोरोना। मैडम देखिए जी, मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है। अच्छा। दिल जवान होना चाहिए। अरे वाह, सुनीता जी ने कितनी अच्छी बात कही है, दिल जवान होना चाहिए। पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का वो फॉलो कर रही हैं, पूरे कायदे कानून के साथ हैं, वो यहाँ पर हैं और इन्जॉय कर रही हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एकता जी मौजूद हैं। एक बहुत ही अलग बोल लीजिए या अनोखी बात भी आप बोल सकते हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ कोरोना के दौरान हुई है। एकता जी की शादी फरवरी में हुई थी और फरवरी के बाद ही कोरोना का संक्रमण हो गया और सभी लोग घर पर रह गए, तो वो भी घर पर लॉकडाउन में थी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। आप पहले कभी यहाँ पर आई हैं? जी नहीं, मैं पहली बार आई। आप यहाँ पर पहली बार आई, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। लॉकडाउन के बाद ये जब खुला है तो हम पहली बार घर से निकले हैं घूमने के लिए जी, तो लेकिन यहाँ बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप भोपाल की रहने वाली हैं? नहीं, ग्वालियर। ग्वालियर, तो भोपाल की शाम में आप मजे हैं? बिल्कुल। आज मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए और लोगों से बात। इस वक्त हमारे साथ मिश्रा फैमिली से 2 लोग हैं। आइए उनसे जानते हैं वो कैसे मजे कर रहे हैं क्रूज पर। सर, सबसे पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, इससे पहले यहाँ पर आए हैं? नो, दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जी। कैसा लग रहा है आपको पहली बार यहाँ पर आए? अमेजिंग, वंडरफुल, वंडरफुल। या मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप आए हैं कभी यहाँ पर? भोपाल तो कई बार आए जी, लेकिन यहाँ पर जो है तो पहली बार आए। यहाँ पर आप पहली बार आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो एक बार फिर शहर की शामें गुलाबी होने लगी हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं लेकिन कोरोना के चलते पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। आपको यहाँ पर लोग मास्क लगाए हुए दिख जाएंगे। वहीं क्रूज़ पर पूरे समय सैनिटाइजेशन भी हो रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं लेकिन पूरी सेफ्टी के साथ। कैमरा पर्सन प्रतीक के साथ निकिता पाटीदार, पीपल समाचार के लिए। शुक्रिया।